हे बुके फैंस, वेलकम बैक। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो हाँ, तुम्हारे इतने बेकार रिस्पांस के बाद भी मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ। 12 सब्सक्राइबर्स हम 9 सब्सक्राइबर पे हमारा चैनल गिर चुका है। इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए और वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब में जो स्ट्रगल करता है ना, वही जीतता है। तो हाँ, मैं जितना स्ट्रगल करूँगा मैं करूँगा, स्ट्रगल करूँगा, लेकिन फिर भी मैं चैनल को ग्रो करूँगा और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दूँगा। तो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले डॉन के बारे में। तो बताए, डॉन जो है ना सिनो ग्रैंड फेस्टिवल में टॉप 2 में ही हार गई थी, जो कि बहुत बुरी बात है। और उसके बाद जोई के साथ मुकाबले में बस थोड़े से पॉइंट जोई आ गई थी, इतना छोटू सा। लेकिन क्या करे, जॉन के जो है पोकेमॉन कंपनी ने डॉन को बिल्कुल दिया ही नहीं चांस। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो क्यों हारी। हाँ, रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हारी क्यों? तो हाँ, वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, मैंने डॉन का रैंक जो है इंडिया में इतना लो क्यों है, अगर उसके ऊपर एक वीडियो बना है, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो टॉप 5 पोकेगर्ल्स के इंडिया में बारे में कि अगर जानना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हाँ, आज के इस कूल एंड अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो डॉन क्यों हारी? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, डॉन के पास अच्छे पोकेमॉन नहीं थे। हाँ, पोकेमॉन थे, लेकिन जोई को हराने के लिए वो काफ़ी नहीं थे। और उसके साथ अगर वो टोको किस थी ना डॉन के साथ, वो प्रिंसेस सैल्विया ऐसा ही कुछ नाम था उनकी थी, तो इसीलिए उसने कभी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। हाँ, प्रिंसेस सैल्विया ने एक बार कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था डॉन को प्रिंसेस बनाकर, लेकिन समझ रहे हो ना, वो कॉन्टेस्ट जीत तो गई, लेकिन वो उसने उस रिबन को जेसलीना को दे दिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रिंसेस के साथ बड़ी थी, और तो इसीलिए ना उसकी जो स्टाइल थी डॉन के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। और डॉन ने बहुत मेहनत के बाद उसे समझ तो लिया, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया। और हाँ, ग्रैंड फेस्टिवल में टोकोकिस को इस्तेमाल करने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। पहली बात तो टोकोकिस के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल कम था, एक ही कॉन्टेस्ट का एक्सपीरियंस था। और दूसरी बात, उसकी जितनी भी ट्रेनिंग हुई वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो जोई को हरा सके। और साथ ही साथ पिपलप की एक गलती है कि अगर पिपलप जो है प्रिंपलप या फिर एम्पोलियन होता तो डॉन तो जीतती। तो वजह ये है कि अगर पिपलप जीत जाता तो और भी अच्छा होता, जीतता था नहीं विकसित हो जाता। तो पिपलप के एवोल्यूशन और टोकोकिस की वजह से डॉन की हार गई, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो वहाँ पर थे नेक्स्ट सीजन की ओर। तो नेक्स्ट सीजन की बात करें तो डॉन ने जोई को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम लोग को बोले कैसे, जोई तो डॉन की सबसे मेन राइवल है। लेकिन हाँ, जोई ने पहले ही प्लान कर लिया था, उसे सब पता चल चुका था कि डॉन बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आई है और वो उसे हरा देगी। तो जोई ने पहले ही सोच लिया था कि वो क्या क्या करेगी, तो इसीलिए जोई का प्लान भी लगभग फ्लॉप ही हो गया था। लेकिन थोड़े थोड़े से चांस से ही वो जीत गई। तो हाँ, इसलिए पता चलता है कि डॉन को भी उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। जोई ने जब नैंडो के साथ मुकाबला किया और भी सारे परफॉर्मेंस स्टेज में मुकाबला किया और भी सारे मुकाबले किए, जॉन को उसे ऑब्जर्व करना चाहिए था, उससे कुछ सीखना चाहिए था कि वो कैसे के मुकाबला कर रहे हैं। अगर वो जोई से भी नहीं सीखती तो तुम एम्बी बॉम को ही बुला सकती थी। आप तुम लोग बोलोगे एम्बी बॉम, हाँ वही एम्बी बॉम जो कि पहले एपॉम था एस के पास, अब वो कैंटो रीजन में है। कैंटो रीजन में कौन से एक शहर में है मुझे भी अब याद नहीं है, बबिनियन सिटी या फिर कुछ ऐसा ही। लेकिन हाँ, तुम्हें जॉन को तुम्हें जाके वहाँ से उसे एम्बी बॉम को लाना चाहिए था, क्योंकि एम्बी बॉम को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन डॉन ने ऐसा नहीं किया और एम्बी बॉम वापस नहीं आया। तो हाँ, एम्बी बॉम आने से उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तुम लोगों को पता है कि जो ऐश का एम्बी बॉम है, उसने ऐश के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उससे एक एडवांटेज मिलेगा बैटल में, दूसरा उसने बहुत से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। अब बनियरी के पास एम्बी बॉम जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली पोकेमॉन मैं जैसे मानता हूँ। तो हाँ, एम्बी बॉम आने से उसे जो है ना कॉन्टेस्ट मूव्स में भी अच्छा खासा डॉन को मिल सकता था एडवांटेज, लेकिन डॉन ने ऐसा नहीं किया, तो ये करके डॉन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हाँ, मैं डॉन को रिकमेंड करूँगा कि तो एम्बी बॉम को जाके वापस लाओ, क्योंकि वो पोकेमॉन पिंपॉम तो अभी तक वो चैंपियन बन चुका होगा पोकेमॉन पिंपॉम का। तो हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि एम्बी बॉम को ना आना डॉन की एक बहुत बड़ी गलती थी। तो ये था रीज़न नंबर 3। तो हाँ, उम्मीद है तुम लोग सारे रीज़न समझ में आ चुके हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि बहुत से अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। और हाँ, हम जल्दी 40 वीडियोस को हिट करने वाले हैं। अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और 40 वीडियोस कंप्लीट होने के साथ ही साथ हमारे 20 सब्सक्राइबर तो हो जाना ही चाहिए। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पोके फैंस साइनिंग आउट। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।